हे गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अवनीश और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो सैनिक स्कूल कोडागू के ऊपर होने वाली है, यानी मैं आपको उसका फुल रिव्यू दूंगा और उसमें सारी उसकी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस, वीडियो से पूरा अंत तक जुड़े रहिए और स्टार्ट से एंड तक देखिए, तभी जो है आपको पता चल पाएगा कि सैनिक स्कूल कोडागू में कैसी पढ़ाई होती है और जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो कैसी होती है। तो गाइस, स्टार्ट कर दें अपनी वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस, चलते हैं अपने सैनिक स्कूल कोडागू के डिटेल पे। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने सैनिक स्कूल कोडागू के डिटेल पे। तो सबसे पहले मैं आपको उसका एड्रेस बता देता हूँ। तो उसका एड्रेस है कुशल नगर कर्नाटका इंडिया। गाइस, ये छोटा है, ये मतलब एड्रेस छोटा है। अगर आपको फुल एड्रेस चाहिए होगा तो आप गूगल पे सर्च मार के फुल एड्रेस जा सकते हैं। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है इसका मोटो। तो इसका मोटो है वीरता, दृढ़ता, प्रामाणिकता, कथा। गाइस, आपने सही सुना, इसका जो मोटो है वो है वीरता, दृढ़ता, प्रामाणिक, कथा। तो गाइस, इसका अभी हमारे पास जो है अवेलेबल नहीं है मीनिंग, बट जब अवेलेबल होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि इसकी इस्टेब्लिश डेट क्या है। तो इसकी इस्टेब्लिश डेट है 18 अक्टूबर 2007। और इनके जो फाउंडर हैं वो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद इनके जो हैं फाउंडर हैं। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि इसमें कितने ग्रेड्स हैं। तो गाइस, इसमें 6 to 12 तक जो हैं ग्रेड्स हैं, और वो 6 to 12 में 10 to 18 ईयर्स तक के ही बच्चे पढ़ते हैं। कोई भी आपको बिलो या अबव नहीं मिलेगा। अगर आप वहाँ विजिट करते हैं तो आप उनसे एज पूछ सकते हैं। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि इसमें कौन से जेंडर जो हैं अवेलेबल हैं। तो इसमें फीमेल एंड मेल दोनों ही हैं, लड़की और लड़का दोनों ही हैं। अगर आपके पास भी कोई है तो आप वहाँ उसको कोचिंग करा के जो है भेज सकते हैं। अगर आपको कोचिंग कैसे करानी है, अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट ज़रूर करिएगा। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि ये पढ़ाई कैसे करवाता है। तो गाइस, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी पढ़ाई करवाता है, और ये एनडीए की तैयारी तो बहुत ही अच्छी करवाता है। और अभी तक जो इसने एनडीए में कैडेट्स दिए हैं वो हैं टोटल 311 कैडेट्स जो हैं इसने अभी तक एनडीए को जो है दे दिए हैं। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि इसका कैंपस साइज़ कितना है। तो इसका कैंपस साइज़ है 60 एकड़। और गाइस, 60 एकड़ बहुत ही होता है। 60 एकड़ में आप आराम से खेल सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, और जो भी आप अदर एक्टिविटीज़ करना चाहें कर सकते हैं। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है कि इसका बोर्ड कौन सा है। तो इसका बोर्ड है CBSE, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका बोर्ड है। गाइस, आई होप करूँगा आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आगे है इसका हाउस। तो गाइस, इसका हाउस में आपको बता देता हूँ। तो इसके हाउसेस हैं कावेरी, कटारी, सुब्रोतो, मैनन एंड करियप्पा। तो गाइस, आपने सही सुना, ये थे इसके हाउसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है वेबसाइट। तो गाइस, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वेबसाइट पर विजिट करना चाहें तो विजिट कर सकते हैं। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं कि जो प्रिंसिपल हैं वो कौन हैं। तो इनके प्रिंसिपल मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके प्रिंसिपल हैं कर्नल जी करण, ये हैं इनके प्रिंसिपल। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे एकदम मेन चीज़ आती है, जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेंटर्स कहाँ कहाँ आते हैं, सेंटर्स हम कौन से सेंटर्स में एग्ज़ाम दिलाए जाएंगे। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कौन से सेंटर्स हैं। तो गाइस, सबसे पहला बेंगलोर के बाद बाइलाकुप्पे के बाद चित्रा के बाद है डोंगा के बाद दक्षिण के बाद कोडागू, और कोडागू के बाद मैसूर एंड मैसूर के बाद है शिमोगा। तो गाइस, ये थे इनके सेंटर्स। गाइस, आई होप करूँगा आपने यहाँ तक क्लियर कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है फ़ी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही मेन है। जब आप अपना एडमिशन कराने जाते हैं तो आपको फ़ी स्ट्रक्चर जो है मालूम होनी चाहिए, यानी पता होना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो ये हैं, ये दोनों डिफेंस कैटेगरी, डिफेंस में और सिविलियन में जो पर्सन है उन दोनों के लिए होगा, बट कैटेगरी वाइज होगा। तो गाइस, जो जनरल में है और डिफेंस और सिविलियन दोनों ही हैं, उनकी जो फीस है वो है 1,25,800 रुपीज़ ओनली। और जो SC ST से बिलोंग करते हैं, जो डिफेंस और सिविलियन हैं और SC ST से बिलोंग करते हैं, उनकी फ़ीस है 1,24,700 रुपीज़ ओनली।
गैस अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से आप हमसे कोई प्लेटफॉर्म पे आके और बात कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो गैस वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।